नमस्कार, दायंगल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी की भारत को गीदड़ भभकी, पाकिस्तान की सेना और सरकार पर भी बोला हमला। मोदी सरकार ने लापरवाह केंद्रीय कर्मचारियों पर की बड़ी कार्रवाई, ग्रुप ए के 125 और ग्रुप बी के 187 कर्मचारियों को किया जबरन रिटायर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पेश किया उम्मीदों का बजट, युवाओं को दी रोजगार की सौगात, परकोटे में बनेगा नो व्हीकल जोन। और भारत की दूती चंद ने रचा इतिहास, वैश्विक इवेंट की 100 मीटर रेस जीतने वाली बनी पहली भारतीय। आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी ने कश्मीर को लेकर भारत को गीदड़ धमकी दी है। जवाहिरी ने डोंट फॉरगेट कश्मीर नाम से एक संदेश जारी कर घाटी के आतंकियों का गुणगान किया है। अलकायदा की मीडिया विंग एस साहब ने जवाहिरी का जो संदेश जारी किया है उसमें आतंकी जाकिर मूसा की फोटो भी लगाई गई है, जो कश्मीर में अलकायदा की भारतीय शाखा अंसार गजावत उल हिंद का संस्थापक था। जवाहिरी ने अपने संदेश में भारत में सुरक्षा बलों पर हमले के लिए नई भर्ती करने की योजना का भी खुलासा किया है। जवाहिरी ने अपने संदेश में पाकिस्तान की सेना और सरकार पर भी हमला बोला है। उसने पाक सेना और सरकार को अमेरिका की कठपुतली बताया है। मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के 312 कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने को लेकर नौकरी से हटा दिया है। सरकार ने इन अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है। इसमें कई सीनियर अधिकारी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों को भी हटाया गया है। सरकार ने ग्रुप बी के 187 कर्मचारियों को हटाया है, ग्रुप ए के 125 अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की इन अधिकारियों पर यह कार्रवाई सार्वजनिक हित को देखते हुए सत्यनिष्ठा की कमी और लापरवाही दिखाने के चलते की गई है। जुलाई 2014 से मई 2019 तक हुए इस रिव्यू में ग्रुप ए के कुल 36,000 और ग्रुप बी के 82,000 अफसरों को आंका गया है। इनमें से ग्रुप ए के 125 और ग्रुप बी के 187 अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिन के अमेठी दौरे पर रहे। यह पहला मौका है जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी अमेठी आए हैं। इस दौरे पर उन्होंने गौरीगंज स्थित निर्मला इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हार की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात नहीं की और चुपचाप रवाना हो गए। बैठक के पहले राहुल गांधी गौरीगंज कस्बा स्थित गंगा प्रसाद अग्रहरि के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। गंगा प्रसाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, कुछ दिनों पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल राहुल गांधी के समक्ष अमेठी में दोबारा पैर जमाने की बड़ी चुनौती है। साथ ही जनता के बीच यह मैसेज भी देना होगा कि वे अमेठी के लोगों को लेकर फिक्रमंद हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अवैध माइनिंग घोटाले की सक्रियता से जांच कर रही सीबीआई की टीम को कई अहम सबूत मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इस केस में क्लर्क से लेकर पूर्व डीएम और मंत्री तक के ठिकानों पर की गई छापेमारी में जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उनकी मदद से केस की विभिन्न कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि माइनिंग घोटाले में छापे या पूछताछ के लिए अब अखिलेश यादव की घेरेबंदी की आशंका बढ़ गई है। वजह, माइनिंग के करीब 1.5 दर्जन टेंडर को अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए मंजूरी दी गई थी। बुलंदशहर के डीएम अभय सिंह के आवास पर मारे गए छापे में सीबीआई को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इस केस को तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर ले जा रहे हैं। दस्तावेजों में कुछ सिफारिशी पत्र, ओवरराइटिंग वाले कई पन्ने, एक ही पन्ने पर अलग अलग स्याही से हस्ताक्षर और कटिंग जैसे अहम सबूत शामिल हैं। कच्चे कागज पर रुपयों की एंट्री वाला दस्तावेज भी जांच एजेंसी के हाथ लगा है। कर्नाटक के बागी विधायकों को मनाने पहुंचे कांग्रेस के डीके शिवकुमार को मुंबई पुलिस ने पवई स्थित होटल के बाहर से हिरासत में ले लिया है। इसी होटल में कांग्रेस जेडीएस के बागी विधायक टिके हुए हैं। बागी विधायकों ने डीके शिवकुमार से अपनी जान को खतरा जताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। तनाव को देखते हुए होटल के आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। शिवकुमार बागी विधायकों से मिले बिना वहां से जाने को तैयार नहीं थे। अंततः मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को भी बेंगलुरु में राजभवन के बाहर प्रदर्शन करते समय हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान जेडीएस नेता नारायण गौड़ा के समर्थकों ने गो बैक के नारे लगाए।
उत्तराखंड के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे शराब के नशे में शस्त्र लहराते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी से अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित होने के बाद कुंवर प्रणव सिंह का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये वीडियो कब का है हालांकि इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का कहना है कि हम इस मामले पर उत्तराखंड इकाई से बात करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। मामले के तूल पकड़ते ही बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि उन्हें पहले ही 3 महीने के लिए पत्रकार को धमकाने के मामले में पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इस मामले पर पार्टी उत्तराखंड इकाई से बात करेगी और जांच के बाद बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा 2019-20 के लिए 2,32,944 करोड़ 1 लाख रुपए का बजट पेश किया है। इसमें 27,014 करोड़ 97 लाख का राजस्व घाटा तथा 32,678 करोड़ 34 लाख का राजकोषीय घाटा है। बजट भाषण में उन्होंने सभी वर्गों को सौगात दी है। गहलोत के बजट भाषण में जयपुर में 21 करोड़ की लागत से करियर काउंसलिंग सेंटर बनाने के साथ महिलाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा प्रियदर्शिनी निधि योजना की घोषणा की। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए तक कर्ज देने की घोषणा भी की गई। बजट में 75,000 नई भर्तियों का ऐलान किया गया है। जयपुर में फेज 2 के तहत मेट्रो के विस्तार की भी बात कही गई है। सीएम गहलोत ने खेलों के विकास के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग जरूरी बताते हुए बजट में एशियन गेम्स की तर्ज पर राज्य खेल शुरू करने की घोषणा की है। वहीं राजधानी जयपुर में विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाया जाएगा। सीएम ने बजट में किसान, युवाओं, व्यापारियों और महिलाओं समेत अन्य वर्गों के लिए भी कुछ न कुछ घोषणाएं की हैं। जयपुर में परकोटे में हेरिटेज वॉक के लिए 9 व्हीकल जोन चिन्हित होगा। जयपुर में राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को भी शामिल किया जाएगा। सीएम गहलोत ने गोडावन संरक्षण के लिए नई योजना लाई जाएगी और पर्यावरण विभाग का पुनर्गठन कर निदेशालय बनाया जाएगा। इसके साथ ही नई पर्यावरण एवं जलवायु नीति भी लाई जाएगी। हमारा ये पहला बजट रखा आप लोगों ने, वुडन अकाउंट पहले हो चुका था, तो इसमें बहुत कम वक्त मिला है क्योंकि जुलाई का महीना है और मार्च तक का बजट है। पुनः बजट पेश करेंगे अगला, पर हमारी कोशिश रही कि जो वादे हमने किए जन घोषणा पत्र में उसको आधार बना करके, जैसे हमने कैबिनेट में उसको एडॉप्ट किया है, आधार बना के ही हम लोग फैसले करें, ये हमारी मूल भावना है। और जन घोषणा पत्र अपना आप में एक अच्छा दस्तावेज है, जिसको कह सकते हैं गुड गवर्नेंस देने की दिशा में हमारा संकल्प है। और आज भी मैं कहना चाहूँगा, हमारा मुख्य संकल्प है गुड गवर्नेंस देना। नंबर एक, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना। इनमें सब बात आ जाती है। संवेदनशील तो जो फैसले किए हमने आज, उसमें आपको उसकी झलक मिलेगी। पारदर्शी, जो हमने कुछ घोषणा भी करी है और कुछ हमने कदम उठाए हैं, उसमें आपको एहसास होगा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का पहला बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। गहलोत ने कहा कि यह हमारा पहला बजट है, हमने जन घोषणा पत्र के वादों को बजट में शामिल करने की कोशिश की है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने की कोशिश करेंगे, बजट में भी इसकी झलक है। सरकार जवाबदेही कानून लेकर आएगी। सीएम गहलोत ने इस अवसर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जवाबदेही कानून लाए थे, लेकिन भाजपा राज में इस कानून पर ध्यान नहीं दिया। महिलाओं, युवाओं और किसानों को बजट में प्राथमिकता दी है। स्वयंसेवी संस्थाओं को लैंड यूज चेंज मुफ्त होगा। बजरी ने ईमानदार को भी बेईमान बना दिया। हिंसा और अशांति का माहौल देश में बना है, इसके लिए शांति और अहिंसा का प्रकोष्ठ बनाने का फैसला किया है। जवाबदेही कानून अपने आप में बहुत बड़ा कानून होगा। पहले हमने जो कानून बनाए थे, राइट टू हियरिंग और लोक सेवा प्रदाता कानून, उसको मैं स्वीकार करता हूँ कि जिस रूप में मेरी इच्छा शक्ति थी काम बताने की, उसके माध्यम से उसमें सरकार बदल गई, हम काम में अपने उपाय। दुख इस बात का है कि
नई सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो तो कानून बनने के बाद तो गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो आम जन की सुनवाई होती, परेशानी होता और अधिकारियों को भी काम करना पड़ता, अकाउंटेबिलिटी होती उनकी। अगर आप बताइए सरकार बदल जाए तो आप जो इतने अच्छे कानून बने थे, कंट्री में पहला राज्य राजस्थान था राइट टू हेयरिंग के लिए, जहाँ कानून कहीं पे नहीं है, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। तो कहने की तो बातें बहुत हो सकती है कि मैं बोल चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। हमारी गवर्नमेंट वापस जो जवाबदेही कानून लाएगी, हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस दें, तो उसके लिए जरूरी है कि ई गवर्नेंस भी हो, ऐसे कानून भी हो जिससे बाध्य होकर के हम जनता की शिकायतों को सुन सकें, और वो सुनना बहुत जरूरी है। गांव और ढाणियों में इतने बड़े प्रदेश के अंदर, और प्रदेश हमारा पूरे मुल्क में सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है भूभाग की दृष्टि से। सीएम गहलोत ने कहा कि बजट केवल कागजों का पुलिंदा ही नहीं है, इसे लागू किया जाएगा। जो अफसर क्रियान्वित करेगा वही अफसर प्यारा होगा, जो नहीं करेगा उसका क्या होगा वह सब जानते हैं। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है, एक दो को छोड़ दीजिए, मेरा बस चले तो ऐसे अफसरों को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दूं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी तरफ से डीजीपी को फ्री हैंड है, किसी जनप्रतिनिधि की नाजायज सिफारिश मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि ने न्याय के लिए सिफारिश की है तो मानिए। उन्होंने यह भी कहा कि चिटफंड की धोखाधड़ी से सख्ती से निपटा जाएगा। और बाकी जो हमने ऐसे फैसले किए हैं जिससे कि एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाएं दानदाता आगे आ सके, लैंड यूज चेंज करने का बड़ा फैसला है, लैंड यूज चेंज में उनको फ्री कर दिया है, जो संस्थाएं उनको वो अपना पैसा लगा रही है, उनको कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, तब भी उनको लैंड यूज चेंज के लिए सब कुछ करना पड़ता। आप समझ सकते मैं क्या कहना चाहता हूँ, सब कुछ करना पड़ता है, पैसा भी घर का लगाओ समाज सेवा के लिए, और सब कुछ करना पड़े। जिन बजरी के लिए मैंने कहा आपको कि ईमानदार लोग भी जब गंगा बहती गंगा में हाथ धोप रहे थे, कि ईमानदार लोग भी उस बहती गंगा हाथ धो लिए, तो हमने ईमानदार को भी करप्ट बना दिया हमारी गलतियों से। ये तमाम बातें हमारे जहन के अंदर है, कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे जहन के अंदर है। पूरे अखबार उठा के देखते हैं हर राज्य में, आज ही मैं देख रहा था, ऐसे किस्से कहानी हो रहे हैं रेप के भी और लिचिंग के भी। और इसलिए मैंने कहा कि हिंसा व शांति का माहौल, अशांति और हिंसा का माहौल देश में बना हुआ है, इसलिए हम लोगों ने शांति व अहिंसा का प्रकोष्ठ बनाना, विभाग बनाने का तय किया। भारत की शीर्ष महिला धाविका दूती चंद ने इटली में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रच दिया है। दूती ने 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स में 100 मीटर कंपटीशन का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दूती चंद ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 11.32 सेकंड का समय निकाला। स्विट्जरलैंड की डेल पोंट दूसरे और जर्मनी की क्वियाई तीसरे स्थान पर रही। दूती ने 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स में 100 मीटर कंपटीशन का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 11.24 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाली दूती किसी वैश्विक इवेंट की 100 मीटर रेस में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई। खेल के इस संस्करण में भारत के लिए यह पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले यूनिवर्सिटी गेम्स के इतिहास में किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने 100 मीटर स्पर्धा के फाइनल में भी जगह नहीं बनाई थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार। ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।